यूक्रेन रिटर्न एमबीबीएस के स्टूडेंट्स और उनके परिजनों को उनके भविष्य की चिंता सताने लगी है। 6 माह बीतने के बाद भी छात्रों की पढ़ाई बाधित है, जिसके चलते स्टूडेंट्स प्रेस क्लब पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार और भूपेश सरकार से गुहार लगाई। उनकी मांग है कि भारत में किसी भी मेडिकल कॉलेज में उनकी आगे की पढ़ाई पूरी करने की अनुमति भारत सरकार दे। साथ ही कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। दिन के अंदर हमारे अध्यक्ष और हमारे मेंबर्स 207 जो बच्चे हैं उनका परिवार मिला के हम करीब 1000 लोग के आसपास हैं। हमारी 3-4 दिन के अंदर एक मीटिंग हमने फिक्स किया है और एक विरोध प्रदर्शन के रूप में हम एक कुछ बड़ा एक इवेंट करने जा रहे हैं। हम सभी यूक्रेन से लौटे हुए मेडिकल छात्रों की एक ही मांग है कि हमें भारत में भारत के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कराया जाए ताकि हम अपनी मेडिकल एजुकेशन जो है वो पूरी कर सकें। हमारा करियर अभी इस दौर पर गुजर रहा है कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। हमारी बस इनसे ये डिमांड है कि जैसा कि MEA के थ्रू नोटिस से आप देख सकते हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में ही हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो, तो उसके लिए कोई ना कोई कदम जल्द से जल्द उठाया जाए September 1st से पहले, क्योंकि September 1st के बाद हमारी यूनिवर्सिटीज़ चालू हो जाएंगी और उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं।